मेरा इलाका जहाँ मैं रहती हूँ ये गरीब आबादी है। औरतों की तालीम आम नहीं है। गुर्बत की वजह से लोग कहते हैं कि तालीम एक फजूल चीज़ है जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। कितनी लाइनें हैं इसमें, काउंट करें। मैं एक स्कूल चलाती हूँ, ये को एजुकेशन स्कूल है जहाँ पे 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और ये हमारे इलाके में वाहिद स्कूल है क्योंकि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट का स्कूल है ना कोई प्राइवेट स्कूल है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कम्युनिटी में और दूसरी कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि तालीम ही है जो सबसे बड़ा फ़र्क है। औरतों को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का कोई हक हासिल नहीं और मेरी जंग इसी सोच को तब्दील करने के लिए है। मुझे याद है कि जब मेरे 9th के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो अब्बू ने मना कर दिया था कि ये मतलब बाहर नहीं जाएगी इसके लिए पेपरों के लिए। मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, गत्ता मेरे हाथ में था, अब्बू आ गए, बोले तुम किधर जा रही हो, मैंने कहा मेरा आज पर्चा है, रख के दिया मुझे थप्पड़ उसी वक्त, जाके बैठो, बोला निकलना नहीं है बाहर। अम्मी ने फ़ौरन गत्ता उठाया और मुझे गत्ता दे, मुझे कहा भाग जाओ। उस दिन मेरे अब्बू ने मेरी माँ को मारा था और मेरी अम्मी का हाथ तोड़ा था। मतलब मैं समझती हूँ उस दिन अगर शायद अम्मी मुझे इस घर से नहीं दौड़ाती और मैं नहीं जाती और वही चांटा मैं लेके बैठ जाती तो कभी कुछ नहीं कर पाती, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। पहले तो हम था जाहिल, मेरी समझ में कुछ नहीं आता था और दूसरे लोगों की बातें सुन सुन के लोग तो बोलते रहेंगे, मैं तंग आ गया था। नहीं, लेकिन वो वक्त भी याद है, कुछ लोगों ने क्या बोला था कि ये बिल्कुल बैड करेक्टर है, इनको इन इलाके से निकाल दो, वो वक्त भी हमें याद है। आज दिन तलक मकसद मेरे दिल में इतना वो मुझे याद आता है तो मेरा दिल फटने लगता है कि मकसद मेरी बहनों को इतना इन लोगों ने बुरा समझा कि तालीम इतनी बुरी चीज़ है। अम्मी आपको भी क्या लगता है कि आपने जो मतलब इतनी मुश्किलें देखी, इतनी तकलीफें देखी, मेरा तुमने उस जगह में मुझे पहुँचाया कि मेरा दिल इतना ठंडा हो गया, जो मैंने मुश्किलें काटी वो सब मैं भूल गया हूँ। आज मेरा उस मंजर, मेरी अम्मी जंगल में लकड़ियाँ काटती थी और फिर उन लकड़ियों को 2 रुपए किलो बेचकर और उस पैसे को जमा करके अब्बू को ये कहती थी कि तुम्हारी तनख्वाह से मैं अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। दुनिया का बात सुन के मेरा मियाँ मेरा बेटा मकसद ऐसे हो गए कि बिल्कुल बागी हो गए, ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएँ। नहीं छोड़ता हूँ, मेरी मर्जी है मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली मीटिंग का और आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ख्वातीन के साथ तो हम मीटिंग करते ही रहते हैं, औरतों को हम सेंटर में बुलाते भी हैं, बातचीत भी करते हैं उनसे, तो उनसे बातचीत करके तो हमें ये लगता है कि हमारे मोहल्ले की औरतें जो हैं काफ़ी हद तक वो समझती भी हैं कि बच्चों को जो है ना पढ़ाई के लिए भेजा जाए, ख़ासकर लड़कियों को पढ़ाया जाए। जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाती हैं तो यही मसला दरपेश आता है कि जैसी बच्चियां बड़ी होती हैं यानी 12, 13, 14 साल की उम्र में पहुंचती हैं तो वालदेन की तरफ से ये आता है कि अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं उनको नहीं भेजा जाए। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये मसला क्यों है? आप गैरत वाला एक बात है भाई, एक औरत बच्ची घर से निकलते दुनिया रास्ते में आते जाते सब उसको देखते, बाकी बेटियाँ हमारे जो हैं बच्चियाँ जो शादी करके तो अपने ससुराल वालों का हाथ बटाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। असल में हम लोग के कौम में भी नहीं है ना, हम लोग कल्चर समझो नहीं भेजते, स्कूल शुरू से हम लोग पढ़ाते नहीं है। माशरा बातें करता है कि जवान लड़कियां बैग हाथ में लेकर ये जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, हज़ार सी बातें होनी, यही मसला है कि इस वजह से नहीं भेजते हैं कि इलाके वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। हम
मर्दों का ज़्यादा रेजिस्टेंस ख़वातीन की एजुकेशन के, इसलिए वो पावर गेम है एक्चुअली, वो डर है उनको कि हमारी औरत अगर ख़ुद मुख्तार हो गई तो कल को वो उस हाथ उठाने को, इस वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा दे, मतलब वो एक जानवर की तरह जैसे हम उसको ट्रीट करते रहें वो ट्रीट होती रहे। हमारी टीम के लोग घर घर जाके लोगों से बात करते थे, ख़ासतौर पे हम शुरुआत माओं से करते थे, उन्हें समझाते थे कि उनको रियलाइज़ करा था कि आप अपनी ज़िंदगी देखें कि आप कितने प्रॉब्लम फ़ेस कर रही हैं, आप अपनी बच्ची को पढ़ाएं क्योंकि आज जो आपने फ़ेस किया कल वो आपकी बच्ची को फ़ेस नहीं करना पड़े। देखें, मैं समझती हूँ औरत बहुत मज़बूत चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है, औरत में वो ताकत है जो किसी सल्तनत को आबाद कर सकती है, किसी सल्तनत को बर्बाद कर सकती है। क्या ये ख्वाहिश हम आप माओ में से किसी के दिल में नहीं कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, किसी कॉलेज में लेक्चरर बने? को सद भी ते वाले दस दस ना रसी कहे वश नहीं कि मेरी चौक डाट करे मैं भी कहे वश नहीं मेरी चौक चिशेष्टरे मैं भी अरका वश है लेकिन शनि दे ले तू का कहो बिंबाज है हमें तो रुसा चे दे में नदी। तो इसका मतलब है मसला हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ नहीं है? माँ की इजाज़त है तो बाप की इजाज़त नहीं है। आपको नहीं लगता ये अगर वो खुद पढ़े लिखे होते शायद ये मसला नहीं होता? मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये कि जरा वो उम्र बताएंगे कि हमें बच्चियों की शादी किस उम्र में करवानी चाहिए? 15 साल के कराते गांव में, मेरे खुद की 14 साल की हुई इसलिए मैंने उसकी 16 साल में करवाई। अब जो है मुझे छोटी बेटी को पढ़ा रही हूँ तब मुझे अकल आया, मैंने कहा नहीं ये मैंने बहुत गलत किया। जो हमारे साथ हुआ शायद उस वक्त हमारे माँ बाप को इसका इल्म नहीं था, लेकिन आप शायद वो माँ बाप हैं कि जिनको इल्म तो है, जो जानते तो हैं, जो ये समझते तो हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो क्या ये गलत हम अपनी बेटी के साथ करें, हम अपनी औलाद के साथ करें? नहीं, ये तो हम दिल में माने कि हाँ मेरे साथ तो गलत हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं करूँगी, लेकिन मेरा शोहर नहीं छोड़ता मैं क्या करूँ, मेरा ससुर नहीं छोड़ता मैं क्या करूँ? तो फिर ये नहीं किसी काम का नहीं है। जब आप नहीं कह रहे हैं तो उसके लिए हल भी निकालने की कोशिश करें। बाजी तुम्हारा अच्छी बात ही सुना, हमारे ताकत मिल गई इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल पक्का वादा है जब तक 20 साल की नहीं होगी उसकी शादी नहीं करेंगे। अब जो मैंने तब्दीली देखी वो ये देखी है कि जो औरत काम करने भी जा रही है तो उसे अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे इस चीज़ की नॉलेज है कि मुझे अपने बच्ची की शादी किस उम्र में करनी चाहिए, उसे इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर मेरे घर में बेटा और बेटी है तो दोनों को स्कूल जाने का हक है, मैं दोनों को भेजूँ। अटेंशन, प्रे पोजीशन, तिलावत के लिए कोई तशरीफ लाए। हमारे तीन स्टूडेंट्स जो अपने गाँव में शिफ्ट हुए उन्होंने इसी तरह का स्कूल अपने गाँव में इस्टेब्लिश किया है, तो हमारा काम यहाँ तक सिर्फ महदूद नहीं है। जो थॉट ऑफ चेंज हम लोगों में डाल रहे हैं वो जो स्कूल से लेकर जा रहे हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, इस मुल्क के जिस हिस्से में भी जा रहे हैं, उस चेंज के साथ जा रहे हैं और उस तब्दीली को वो वहाँ वाक़ कर रहे हैं। एजुकेशन इन द सेंस ऑफ, मैं कभी भी काउंट नहीं करती कि वो किताबों और कॉपियों की हद तक है, वो चेंज की हद तक है। हमारा इर्द गिर्द का देखो माहौल है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना, वहाँ की चीज़ों की देखभाल रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। और बच्ची शायद इसी से ही तब्दीली आ सके। इसी से तब्दीली आ सकती है, वेरी गुड। लोग अपने हक को जानें और समझें। ड्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट में जो सबसे बड़ी तब्दीली मैं देखना चाहती हूँ वो यही देखना चाहती हूँ कि जो आने वाला यूथ है वो इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करे और उस चेंज में पार्टिसिपेट करे। मेरा अगला मिशन इस तीन कमरे के स्कूल को एक मुकम्मल बिल्डिंग में तब्दील करना है, जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेशंस अलग हों, जहाँ पर बच्चों की सेपरेट क्लासेस हों, खेलने के लिए उनके पास प्ले ग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो बच्चों के पास। और मुझे यकीन है कि मेरा ये ख्वाब एक दिन पूरा होगा।